आया सूरज सर, आपकी मूवी आ रही है दादू लव यू, आप एक राइटर भी हो डायरेक्टर भी हो, तो क्या कुछ कहना चाहोगे मूवी के बारे में? देखिए, दादू आई लव यू मेरे बहुत नज़दीक के सिनेमा है, और लगभग ये कहेंगे कि मेरे पोते और मेरी कहानी है। मैं जानना चाहूँगा वो जो लड़का है जो पोते का किरदार निभा रहा है उनके बारे में आप। आर्यन भट्ट गॉड गिफ्टेड है एक्टर, और उसने जो भी कुछ कहा है बहुत शानदार कहा है, बिल्कुल एक्टिंग नहीं की, और मुझे लगता है दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा और सबसे अच्छा एक्टर है आर्यन भट्ट। जो दादू का किरदार निभा रहे हैं उनके बारे में? अवधेश मिश्रा जी के बारे में क्या कहूँ, एक नंबर आदमी है, एक नंबर एक्टर है, तो मतलब उन्होंने कमाल का एक्टिंग किया, उसमें डांस गाना म्यूजिक मस्ती सब कुछ है, और फाइनल रोना है उसमें। किस तरह की कहानी है बताना चाहोगे? ये एक कहानी है, एक यूनिवर्सल कहानी है, दुनिया में यही चल रहा है, बाप अपने बेटे से प्यार नहीं करेगा लेकिन उसके बेटे से प्यार करेगा, दादा अपने पोते से बहुत भयंकर प्यार करता है, और यही सच्चाई है, हर घर की यही कहानी है। सर आप मूवी के डायरेक्टर हो, यस, तो मैं जानना चाहूँगा उस बच्चा है जो, हाँ, उसको संभालना कितना मुश्किल था? बिल्कुल मुश्किल नहीं था, वो तो पहले से किया कराया है आदमी, बहुत शानदार काम किया है, इट्स वेरी गुड, कोई तकलीफ नहीं आई, और हमने बहुत आराम से जबलपुर में इसकी शूटिंग की है, और हमें बहुत अच्छा लगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं आई। और अवधेश जी के बारे में क्या कहूँ, वो तो महान एक्टर हैं, उस लेवल का कोई एक्टर है ही नहीं आज के समय में। सर आपका कोई प्रोजेक्ट से और भी? मेरे देखिए अभी और अभी लाइनअप पे मैं साथी संघाती का प्रोड्यूसर रहा हूँ, काला सिंदूर का प्रोड्यूसर रहा हूँ, आईची सावली शुभांगी इसका मैं प्रोड्यूसर रहा हूँ, और ये पहली पिक्चर मेरी है जो मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और राइटर दोनों बोलिए। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अगर पूछ लीजिए क्वेश्चन है ना, तो मैं थोड़ा सा। सर आपकी मूवी आ रही है दादू लव यू, आप एक प्रोड्यूसर के साथ साथ एक राइटर भी हो, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ, प्रोड्यूसर नहीं हूँ, प्रोड्यूसर हमारे गौरव एम शर्मा और तुषार एम शर्मा दो लोग हैं, और मैं एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ। इस फिल्म में मैंने एक गाना भी लिखा है, और स्क्रिप्ट एक्चुअली हिंदी में लिखी गई थी, तो इसको मैंने भोजपुरी में ट्रांसलेट किया है। और दादू आई लव यू के बारे में अगर मैं पर्सनली एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर लेवल पे, एज ए राइटर लेवल पे, लिरिस्टिक्स लेवल पे, तीनों ही लेवल पे अगर मैं कहूँ, तो ऐसी कहानियों पर भोजपुरी में सिनेमा बनना चाहिए, मार्केट में आना चाहिए, लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि अमूमन सुनने में आता है और देखने में भी आता है कि हर फिल्म कहीं ना कहीं से उठाई गई होती है, कहानी कहीं ना कहीं से कॉपी की गई होती है, या फिर किसी कॉपी की गई कहानी में थोड़ा सा अपना फुट डाल के उसको एक नया फ्लेवर दे के प्रस्तुत कर देते हैं सिनेमा के पर्दे पे। हमारी कहानी पूरी तरह से यूनिक है। और बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो उसमें कई फिल्म्स ऐसे आते हैं जी जो अश्लील रहते हैं। जी जी जी। इस फिल्म में एक दादा और एक बच्चे की कहानी है। जी जी जी। एक अलग स्टोरी है जी, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? ये एक बदलाव का दौर है भोजपुरी सिनेमा में। हमारी फिल्म में जो लीड आर्टिस्ट हैं श्री अवधेश मिश्रा जी ने जो भूमिका निभाई है एक दादा के रूप में, एक बहुत बेहतरीन और सशक्त भूमिका उन्होंने निभाई है, और ये बदलाव का दौर है। जो चीज़ें मार्केट में अब तक आती रही हैं उससे हम हटकर कुछ कर रहे हैं। एक ऐसी कहानी है जिसमें आपको हास्य भी मिलेगा, थोड़ा बहुत रोमांस भी है, लेकिन स्वच्छ रोमांस है, उसमें किसी प्रकार की वल्गरिटी नहीं है, गंदगी नहीं है, और अंत में पूरा आपको इमोशन से भर देते हैं। आपको लगता है कि यार एक दादा एक पोते का ऐसा प्रेम कैसे हो सकता है? जी हम जानना चाहेंगे आप और कितने फिल्मों को आप राइट, मतलब कितने फिल्में लिखे हो आप? देखिए मेरी सबसे पहली फिल्म जिससे मैं एज ए राइटर लॉन्च हुआ था वो यारा तेरी यारी थी, जिसमें रितेश जी और कल्लू जी मुख्य भूमिका में थे, निधि जी मुख्य भूमिका में अभिनेत्री थी, और उमेश सिंह जी विलेन थे। उसके बाद एक धीरज ठाकुर की फिल्म मैंने लिखी, एक खूंखार डायन, एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। उसके बाद आँख मिचौली, जिसके प्रोड्यूसर श्री राकेश सिंह जी थे, यश एंड राज एंटरटेनमेंट से बनी हुई फिल्म है। उसके बाद यही दादू आई लव यू आ रही है, ये मेरी चौथी फिल्म होगी। जी आप बताए वो स्क्रिप्ट पूरा हिंदी में लिखा गया था। जी जी। आप भोजपुरी में ट्रांसलेट किए। जी जी सर। तो कितना मुश्किल और कितना आसान रहता है? दरअसल हिंदी में जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, हिंदी भोजपुरी से बहुत अलग नहीं है, लेकिन अगर भाषा के स्तर पर देखें तो अलग ही है। तो हिंदी से पूरी तरह से भोजपुरी में ट्रांसलेट करना थोड़ा सा कठिन रहा,
हिंदी में जिन लेखक महोदय जो सर ने जो लिखवाया था, सर की भावनाओं को पूरी तरह से भोजपुरी में ले आना एक थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। थोड़ा सा लेंथ भी कम करना पड़ा हिंदी की अपेक्षा भोजपुरी के लिए, थोड़ा हमने लेंथ भी काट-छांट किया, बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट बनी। और जबलपुर में हमने भेड़ाघाट की वादियों में इस फिल्म का शूट किया है, बहुत यूनिक और यूनिवर्सल लोकेशन है। भेड़ाघाट में सुप्रसिद्ध धुआंधार फॉल है, पचमठा मंदिर है, चौसठ जोगनी मंदिर है, वहाँ पे मतलब एक समझिए कि जबलपुर का मेन टूरिस्ट टूरिज्म स्पॉट है, तो वहाँ पे हमने शूट किया है। आगे भी कुछ ऐसी मूवी देखने को मिलेगी? जरूर देखने को मिलेगी सर। हिरदान फिल्म एंड एंटरटेनमेंट से हम हमेशा यूनिक और अलग कंसेप्ट पर फिल्में बनाएंगे और बेहतरीन काम करेंगे सर। थैंक यू सर, वेलकम। अब सही हुआ भाई। रंजन का है? रंजन सब आ गया, मैं अंदर हूँ। ये रंजन जी को बुला ऊपर आके देख। रंजन जी सबसे पहले आदेश जी आपसे जानना चाहूंगा, लाड आई लव यू जैसे कि हम देख रहे हैं, जिस तरह का केमिस्ट्री आप दोनों का दिख रहा है, थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में हमारी ऑडियंस को बता पाए, थोड़ा सा इमोशनल भी लग रहा है और बहुत अच्छी केमिस्ट्री भी लग रही है आप दोनों में, अगर कुछ बात करना चाहिए। ये उन दोनों की कहानी है, तो इसकी मासूमियत कितनी होगी, इसमें इमोशन कितना होगा, इसमें इंटरटेनमेंट कितना होगा, जब वो दोनों दादा पोता एक दोस्त हों, और दोस्तों के बीच में जब कोई दर्द आता है तो दर्द के बाद का रिश्ता कैसा होता है, यही है। हम बहुत विस्तृत तरीके से कहानी बता सकते नहीं है। सर, सर से जानना चाहूँगा, सर अवधेश जी और आर्यन जी किस तरह से बोर्ड पे आए, उस बारे में कुछ बता सके, किस तरह से आपने? देखिए, जब मैंने ये कहानी सोची थी, एक्चुअली मेरे पोता है हनु और मेरी कहानी है इनडायरेक्टली, जब मैं पहली बार सोचा मेरे दिमाग में, तो पहली बार यही आया कि अवधेश मिश्रा ही करेगा इस पिक्चर को। मैं पहली बार जब विचार आया तो मैं इनके पास गया, ये भी एक्साइटेड हो गए और इनको लगा कहीं ये लाइव है, नज़दीक की कहानी है, लोगों को मज़ा आएगा करने में, और इनको भी बहुत मज़ा आया। और अवधेश जी के बारे में मैं क्या कहूँ, तो ये एक्चुअली बोलने में थोड़ी शर्माते हैं थोड़ा सा, करने में बड़ा इनका बिलीव है। और ये आए थे, ये अब मैं इनकी कहानी बता दूं, ये मेरे पास आए थे, ये सिनेमा लेकर के दादू आई लव यू, जब इन्होंने अपनी कहानी सुनाई, कथानक सुना, इनके मन में उस समय विचार कुछ और था। मेरी बाबुल देखा था इन्होंने, और इनको लगा था कि इस फिल्म को मैं लिखूं, मैं बनाऊं, डायरेक्ट करूं मतलब, लेकिन जो इनके सुनाने का तरीका था और जो इनका पुराना बैकग्राउंड है सिनेमा के प्रति, जो इनका खानदानी, जो इनके दादा, इनके चाचा, इनके फादर सब लेखनी विधि से जुड़े हुए हैं, और जो एक तरीका था कि मैंने बोला ये तरीका अगर इसका 50% भी उतार देंगे तो सिनेमा बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैंने बोला सर आप ही इसको डायरेक्ट करें और आप ही फुल फ्लेज लिखें, और इन्होंने किया और ये साबित किया और मुझे मजबूर किया कि मैं शायद इस सिनेमा के प्रति इतना सहज और सजग हो पाया, पूरे पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर हर जगह, जो इनकी जो शिद्दतता है ना इस सिनेमा के प्रति बहुत ज़्यादा है। और मेरी जो सोच शुरू से रही है कि सिनेमा का एक अलग दिशा होना चाहिए, हर समय के बाद सिनेमा में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बदलाव नहीं होगा तो लोग हमें बदल के हटा देंगे, तो सिनेमा वक्त के साथ बदलता है, हम कलाकारों को, हम निर्देशक को, हम सिनेमा से जुड़े लोगों को बदलना चाहिए। हमारी फिल्म भोजपुरी फिल्में जब से शुरू हुई है थर्ड फेज में, तो 20 साल से मैं भी इस इंडस्ट्री में हूँ तकरीबन, लेकिन 20 साल में बदलाव की किरण तो दिखती ना है। हम सब बोलते हैं कि हम सिनेमा अलग कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, सिनेमा अलग कोई कर ही नहीं सकता, सिनेमा सिनेमा ही होता है। हमारे बताने का तरीका इतना कन्विंसिंग होना चाहिए कि लोगों को लगे कि नहीं ये थोड़ा समथिंग डिफरेंट, ये कुछ है। तो मैं
जब वो मुझे फिल्में नहीं मिल रही थी, जब स्टार्टिंग दौर में कुछ फिल्में आईं, जब खलनायक की मेरी शिद्दतता थी, तो फिर जब से मैंने कैरेक्टर रोल का एक चोला ओढ़ा मेहंदी लगा के रखने के बाद, मुझे लगा कि बदलाव होना चाहिए। वो सिनेमा बदलते वक्त की बहुत सही निशानी थी मेहंदी लगा के रखना। तो उसके बाद फिर एक ही डर्रे पे फिल्में होने लग गई। मैंने ही एक पहल की कोरोना के बाद की, जुगनू बनाया, बाबुल बनाया। उसमें जो तमाम हमारे समीक्षकगण ने जो उसको अपना प्रोत्साहन दिया, जो अपना ब्लेसिंग दिया, तमाम दर्शकों ने दिया, सभी लोगों ने, सिनेमा इंडस्ट्री ने बहुत बखूबी दिया। तो मुझे लगा कि इस तरह की फिल्म बनती रहनी चाहिए। लेकिन मैं उस तरह के प्रोफेशनल निर्देशकों में हूँ नहीं जो लगातार निर्देशन करें। मेरी प्राथमिकता और मेरी पूजा मेरा अभिनय है। सिनेमा ही मेरी पूजा है, लेकिन अभिनय उसका एक माध्यम है। तो मुझे लगा कि ऐसे निर्देशक आने चाहिए, ऐसे राइटर आने चाहिए, और ये मुझे मिले बहुत दिनों बाद कि, और इनमें मैंने सारी खूबियाँ देखी और मुझे लगा कि शायद मेरी सोच सही थी, तभी ऐसे लोग आ रहे हैं। और भी कई फिल्में बनी हैं जो मुझे लेकर के, जैसे मेरे पापा या इतनी सी खुशी या और भी कई फिल्में हैं, लेकिन ये एक इतना मैंने पागल आदमी देखा है इनको, इस सिनेमा के प्रति, कि इतना पागलपन किसी में नहीं हो सकता है। सिनेमा ही खाना, सिनेमा ही सोना, सिनेमा ही पीना, सिनेमा के अलावा कोई बात ही ना करना। तो सिनेमा के प्रति इतना प्रेम जो मैं ढूंढता था, जो मेरे में झांकता था कि है कि नहीं, वो इनमें मुझे नज़र आया। और मुझे लगा कि शायद मेरी सोच को अब एक मजबूती मिलेगी। और यकीनन दादू आई लव यू उन्होंने जो बनाया, जितनी शिद्दतता से सोचा था उतनी ही शिद्दत से बनाया भी है। और आज उसका रिजल्ट देख करके मुझे प्राउड होता है कि मैं इस सिनेमा का अंग हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। और थैंक्स टू मधुसूदन शर्मा जी। सर, सिनेमा के लिए तो आप भी बहुत पागल हैं। हाँ, मैं होती से पागलों को ढूंढता हूँ। जब आपके विलन का किरदार किया तो बहुत शानदार किरदार हुआ। जब मैं बाबुल को देखता हूँ उसमें शानदार किरदार है सर, अलग एक किरदार आपने दिया है। जुगनू में देखता हूँ सर, ये जुगनू और बाबुल की अगर मैं बात करूँ तो ये किरदार कितना अलग होगा। यूटर्न लेके आपकी पूरी जो करेक्टर है, पूरा यूटर्न लेकर गाड़ी घूम गई है, एक विलियन से सीधा आप करेक्टर रोल पे आ गए हैं, उसके बारे में बात करें। कैरेक्टर ही होता है, चाहे हीरो का भी हो, कैरेक्टर का जो है लुक वो है, विलेन भी एक किरदार ही है। हाँ, और ये भी एक किरदार है। और बाबुल और जुगनू से मैं इसको ऊपर का दर्जा दूंगा इस फिल्म को, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इस फिल्म की विशेषता के बारे में। इसमें बहुत सारे रत्न है जड़े हुए। सबसे महत्वपूर्ण जो रत्न है हमारे बगल में है, ये एक ऐसा अभिनेता मेरी जिंदगी में टकराया है मुझसे, जिससे मैं भी कभी कभी घबराता था, अमूमन लोग मेरे से घबराते हैं। तो मुझे ये एक ऐसा अद्भुत प्रतिभाशाली एक बच्चा, इस कम उम्र में अभिनय के प्रति इस कदर की सहजता, मुझे अब लोग बोलते हैं कि मैं अफोर्डलेस एक्टिंग पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। ये सत्य भी है कि जिस अभिनय में लगे कि मुझे कुछ करना पड़ रहा है, वो फिर कुछ तो गलत है। तो सहजता को मैं ज़्यादा ग्रहण करता हूँ, और ये हमसे ज़्यादा सहज लड़का, और हम दोनों जो मिल गए, केमिस्ट्री बन गई। मैं डरता था कि पता नहीं कैसा परफॉर्मर होगा। एक बार पहले मिला था, जब सेट पे मिला, तो आज अगर इसमें मेरे किरदार में कुछ बेहतरी हुई है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान इनका है। हमारे तमाम सपोर्टिंग एक्टर्स जो अनीता रावत जी हैं, जो मेरे बगल में बैठी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार में, और इन्होंने भी शायद इसके पहले इस तरह का किरदार नहीं किया है। इस फिल्म में जो अनीता जी का किरदार दिखेगा, महेश आचार्य जो अभी तक एक अलग तरीके का कॉमेडी का फील लेकर के चलता था, इसमें वो महेश है ही नहीं जो आज तक किसी फिल्म में, जितना मैं महेश आचार्य को जानता हूँ, अभी आया नहीं है अभी तक, तो वो महेश आचार्य वो नहीं है जो इस सिनेमा में है। हमारे एक को एक्टर है इसमें, मिंटू भाई, जो अजय सिन्हा जी उनको सब कहते हैं, वो एक निगेटिव शेड लेकर के एक बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें आपको दिखेंगे। हर कलाकार और हमारे बाजू में जो हमारे निर्देशक बैठे हुए हैं, ये भी इसमें छोटा सा एक रोल अदा किए, घबराते घबराते किए हैं। कलाकारों की बात से अगर अलग जाऊँ, इस सिनेमा के लेखनी, चूँकि लेखक यही हैं, निर्देशक की बात तो वो निर्देशक यही हैं, निर्माता तो वो भी यही हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें भाग है जो है संगीत, और उस संगीत को सजाया है अमन श्लोक जी ने, और मैं शायद पहली बार उनको जान पाया कि उनके अंदर इतना डेप्थ है, इतना सोचते हैं, और लेखनी से लेकर के म्यूजिक से लेकर के गायकी से लेकर के, और एक संपूर्ण पैकेज जो संगीत का होता है, अब तक मेहनत कर रहे हैं, बैकग्राउंड में भी ये मेहनत कर रहे हैं, और सब नमूने, सब हीरे लोग हैं इसमें, जो भी टेक्निकल लोग हैं,
कैमरामैन हमारे जग्गी पाजी थे जो बाबुल के कैमरामैन हैं, इसमें एडिटर हैं वो संतोष हड़ाउड़े, वो थोड़ा नाम लेने में थोड़ा अजीब सा लगता है, हमारे जो बैकग्राउंड में हैं उसमें सुरती साहब है, असलम सुरती साहब, सब लोग तलाशे हुए लग रहे हैं मुझे। एक होता है ना कि कभी सब हुनरमंद लोग एक साथ मिल जाते हैं तो चीज़ें अच्छी बन जाती हैं। कहावत भी है पुरानी की, राग रसोई पगड़ी कभी कभी बन जाए, तो ये वही है हाल अभी। ये तो मुझे लग रहा है जितनी मेरी सोच परिपक्व जो भी ऊपर वाले ने आप लोगों ने बनाई है उस परिपक्वता के नाते बोल रहा हूँ कि मुझे ये फिल्म अब तक की बेहतरीन फिल्मों में लग रही है। अब बाकी देखने वाले दर्शकों की आंखें उनका मन जो गवाही दे। आर्यन बहुत मंदमाल मुस्कुरा रहा है और सोच रहा है कि मेरी बारी कब आएगी और मैं कब बोलूंगा। बोलो आर्यन, कितना एक्साइटेड हो? सबसे पहले जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को पांव छू के प्रणाम करता हूँ, और हमारे फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्लस राइटर मधुसूदन सर हैं, भोजपुरी के लेजेंड एक्टर जिन्हें कहा जाता है, हमारे अध्यक्ष सर हैं, अनीता रावत मैम है, महेश सर अभी आए नहीं है, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हमारे अमन श्लोक सर, मिंटू अंकल हैं, काफ़ी अच्छे अच्छी ये हम लोग की फिल्म है जिसका नाम है दादू आई लव यू। उसमें दोनों दादा पोते हम दोनों हैं और काफ़ी अच्छी फिल्म है ये, मेरी दादी बनी है और काफ़ी जल्दी मूवी आप सभी के बीच में आने वाली है और ये काफ़ी प्यारी मूवी है। हमारे प्यारो संजय अंकल जो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और काफ़ी अच्छा लगा इस फिल्म में मुझे काम करके, हमारे मधुसूदन सर ने भी रोल किया है काफ़ी अच्छा वाला। मैं आपसे एक आग्रह करूँगा कि सच में सिनेमा की प्रोत्साहना होनी चाहिए जो बेहतरीन है, जो वक्त के साथ बदलते बदलाव के साथ बदला हुआ सिनेमा है, और वैसे लोगों को भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए मधुसूदन शर्मा जैसे लोगों को जो इस तरह की सिनेमा की सोच रखते हैं, जो मराठी इंडस्ट्री में ज़्यादा इनकी अपनी तक अभी तक व्यस्तता रही है, और मराठी इंडस्ट्री कितनी शिद्दत से सिनेमा के बारे में सोचती है, इनका जुड़ाव वैसी फिल्मों से रहा है, स्वास्थ्य जैसी फिल्मों से रहा है जिसमें इन्होंने ऐसे ऐसे अहम पार्ट निभाए हैं जिसका मैं अभी क्या नाम लूँ तो यही बताएंगे, लेकिन स्वास्थ्य जैसी फिल्मों से जिनका इतना लगाव रहा है, पैसे से लेकर के अपना क्रिएशन से लेकर के फिजिकल लेवल से लेकर के हर चीज़ इन्होंने स्वास्थ्य में किया है, उस तरह की सोच लेकर के भोजपुरी में आए हैं, ये यकीनन हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़े सम्मान और बहुत बड़े प्राउड की बात है। तो ऐसे लोगों को आप लोग को चाहिए, क्योंकि मीडिया के ऊपर हम जो करते हैं मीडिया ही उसको सामने एक विस्तृत तरीके से पेश करती है, तो मीडिया वालों से आग्रह है कि आप ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे ताकि इनकी सोच में और भी परिपक्वता आए, इनके कदम कहीं थके नहीं रुके नहीं, ऐसे लोग चलते रहने चाहिए, ऐसे लोग आते रहने चाहिए, ऐसे लोगों को फिल्म बनाने का अधिकार सचमुच है और यकीनन इन्हें करना भी चाहिए, इनको भी यही कहूँ। आर्यन कैसी केमिस्ट्री रही अवधेश जी की और आपकी, बाइक पे देख रहे काफी एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, आप दोनों आप लोग देखिएगा जब फिल्म आएगी, काफी अच्छी केमिस्ट्री रही है और काफी मजा आया इस फिल्म में काम करके, और दोनों ने तो खूब मस्तियां की। पर्दे पे भी ये मुझे ही डराता था, मैं मुझसे कभी डरा नहीं है, ये मुझे डराता है, डांटते रहता है पूरी फिल्म में, डांटते रहता है, और जब ये खामोश होता है तो फिर बहुत लाइव पिक्चर है ये, इन्होंने जो किया है अभी हम लोग और अवधेश जी तो जादू है, अब इनके लिए तो बोलना बेवकूफी है, बहुत बहुत शानदार रोल किया है और एफर्टलेस, ऐसा लग ही नहीं रहा कि शूटिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है मस्ती हो रही है। और मानिए इस बात को, आपको सबको इस पिक्चर को हम लोग दिखाएंगे आपको 25 से 30 तारीख के बीच, 30 तारीख के आसपास, और आप देखिए और जेन्युइनली तारीफ करिए। डायरेक्टर साहब, आप भी जानना चाहेंगे दादू आई लव यू जो जब हमने दादू आई लव यू की कहानी कॉन्सेप्ट लिया तो मेरे दिमाग में दूसरा कोई नहीं था, अवधेश जी थे, मैं इनके पास गया, सच बात बोल रहा हूँ, इनके पास गया अवधेश जी, इनको मजा आया सुन के, फिर हम लोग सेकंड मीटिंग किए तो बोले पहले इसको लिख डालो, फिर मैं बोला सर ये आप ही करिए डायरेक्ट और आप ही लिखिए, हम लोग पीछे रहेंगे, बोले नहीं जिस तरीके से आप नरेट कर रहे हो उसी तरीके से बनाइए, हम आपके साथ। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो
कहानी है, इसमें गाने कौन किस प्रकार के, जो दादू आई लव यू है, किस प्रकार के गाने होंगे और कहाँ कहाँ शूट हुई है? टोटल गाने स्क्रीन पे के गाने, कहीं से डाले हुए गाने नहीं, इस कहानी के साथ वो गाने चल रहे हैं, ये पक्की बात है। इसमें कोई किंतु परंतु कार्यक्रम नहीं है, एक कहीं अचानक आके गाना नहीं गा रहा है, स्क्रीन प्ले चल रहा है, साथ गाना चल रहा है, स्क्रीन प्ले चल रहा है, गाना चल रहा है, स्क्रीन प्ले, जब स्क्रीन प्ले रोने लगा तो गाना रोने लगा, ये इसकी कहानी। अनीता जी, काफी देर से आपका नंबर है, क्या कहना चाहूँ, देख रहे थे, किस तरह का किरदार है आपका? मेरा किरदार बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, जहाँ पे इसके साथ बच्चा बनना होता है वहाँ पे बच्चा बन जाती हूँ, जहाँ इसके साथ इसकी दादी बनना होता है वहाँ दादी बन जाती हूँ, जहाँ दादू की दादी बनना होता है वहाँ पे भी इसकी दादी बन जाती हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है और मुझे ऐसा लगता है कि दादा पोता जो एक हर घर में एक बच्चा जितना दादा अपने दादा से प्रेम करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि डर वाली कोई बात नहीं है, या रिस्पेक्ट तो ऑब्वियसली हर घर में एक दादा अपने पोता को और पोता अपने दादा को देता ही देता है, लेकिन यहाँ एक दोस्ती है, एक भाई जैसी दोस्ती हो गई, और हंसने खेलने वाली, रोने वाली, छेड़ने वाली, डांटने वाली, वो सारी मस्तियाँ हैं, तो काफ़ी लोग काफ़ी इन्जॉय करेंगे उस चीज़ को। और मैंने भी ये मैं पूरा नहीं बता सकती क्योंकि फिल्म ही ऐसी है, अगर उसे खोल दूंगी तो फिर वो सरप्राइज खत्म हो जाएगा। आर्यन पूरी टीम पे भारी है, क्या कहना चाहेंगे? 100% भारी, ऑब्वियसली ये भारी है। इंटरवल के पहले दादा ये है, पोता मैं हूँ, इंटरवल के बाद दादा मैं होता हूँ, पोता ये रहता है, यही अंतर है कि इंटरवल के पहले मेरा पोता मेरा दादा है। मधुसूदन जी, आपने इनको सिखाया कि आप बदले में बता सच बताऊं मैं आपको यहाँ किसी को कोई सिखाया नहीं गया, सबको सीन बताते अपने आप शूट हो रहा था। नहीं, और दादा, ये दादा को ये बच्चा दारू पिला रहा है और उसके सब पोल निकाल रहा है, ये भी एक कमाल है। मतलब एक एक चीजें इसमें ना, ऐसा नहीं लगेगा अरे सिनेमा चल रहा है, वहां से मार लिया, यहाँ से एक सीन उड़ा लिया, वहां से, बिल्कुल नहीं, जीरो। और मैं आप लोगों को पवित्र नाते से बोल रहा हूँ, आप बताइए कि एक सीन यहाँ से मारा हुआ है, एक सिंगल सीन, एक सिंगल शॉट। मधु सर ने पूरा अपने पोते को कॉपी किया हुआ है इसके अंदर। अच्छा, ये बोलता है इनको, दादी को, तेरी आइटम आई रही, उससे पैसा लेके आया, अभी डायलॉग भी होता है थिएटर में आ जाएंगे। अच्छा, थिएटर तक जाए, हम वैसा क्या सिनेमा बना रहे जो थिएटर तक जाए, बताइए, आप बताइए। चलिए, आप जिन फिल्मों को प्रमोट करते हैं, आप लोग जिनकी तारीफ करते हैं, जो फिल्में थिएटर में लगने के पहले ही सुपरहिट हो जाती है, तो वैसी वैसा थिएटर में जाना कहते हैं, या जेन्युइनली दर्शक चाहे कि अब सिनेमा थिएटर में आए उसका इंतजार कर रहे हैं, तो दर्शक मर चुके हैं, दर्शक श्रोता में परिवर्तित हो चुके हैं, तो उन श्रोता को पुनः दर्शक बनने दीजिए, अपने आप वही बोलेंगे कि सिनेमा हॉल में उन्हीं का डिमांड आएगा कि अब सिनेमा लगना चाहिए, सिनेमा इस दिशा में बदल गई है, तो सिनेमा हॉल में सिनेमा लगने वाला है। अभी हम भी कह दें कि ये फिल्म हमने 200 थिएटर में लग दिया और लगने के पहले सुपर हिट है, तो ये मतलब नहीं है, सब बेमानी बातें हैं और सत्यता से परे है, सत्यता से परे मत रहिए, डीप जाइए, पता चलेगा। बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज की डेट में पूरी इंडस्ट्री, हिंदी इंडस्ट्री भी अब डाउनफॉल पर जा रही है, लेकिन जितनी रीजनल इंडस्ट्री है सब कहाँ से कहाँ मकाम बना रही है, सिवाय भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के। इसके पीछे यही सबसे बड़ी वजह है कि वक्त के साथ हर सिनेमा बदला है, भोजपुरी नहीं बदला है। भोजपुरी आज भी चोली घाघरा के ऊपर पहुंच ही नहीं पाता है। कुछ लोग अच्छे सब्जेक्ट, अच्छे कंटेंट को लेकर के यहाँ पे चाहते हैं कि करें, उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, ना दर्शक दे पाते हैं, क्योंकि दर्शक अभी दर्शक बन नहीं पा रहे हैं, दर्शक सो गए हैं और वो श्रोता में परिवर्तित हो गए, उनकी नींद खुलेगी, पुनः दर्शक बनेंगे। बाकी जो दर्शक बचे खुचे हैं वो अभी टेलीविज़न पे हैं, मोबाइल पे हैं, और वो उन फिल्मों को वो प्रोत्साहन देते हैं। यकीनन जो दर्शक, क्योंकि दर्शक अभी मर ही नहीं सकता है, सोए हुए हैं, अभी गाने में उलझे हुए हैं। हमारे बाजू में एक अद्भुत अभिनेता है, लेकिन ये सिंगर है, मुझे डर लगता है इससे भी, ये भी पता नहीं उसी रंग में ना रंग जाए कल को। 220 करोड़ की बजट, 20 करोड़ का बिजनेस करती है, 200 करोड़ बताए जाते हैं बॉलीवुड पे, मतलब क्रिटिक पूरी कहानी है, क्या कहना चाहिए? जो भोजपुरी है वो एक मतलब एक रियल व्यू होते हैं, रियल जितने सिनेमा होता है, तो इंडस्ट्री बंद हो जानी चाहिए थी, नहीं बंद हुई, इसका मतलब आप झूठे हैं, फिल्म सच्ची है।
आज जो 1200 करोड़ का बिजनेस किया है ट्रिपल आर ने, तो वो बातें झूठी कैसे हो सकती हैं? सबके नहीं कहते हैं, मतलब असली फिल्में जो है 20-30 करोड़ का बिजनेस के 200 करोड़ बताया जाता है, पता नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ भी फिल्में थिएटर में लगती नहीं है, सुपर हिट हो जाती है। हाँ। तो ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ, चूंकि मैं वहाँ हूँ नहीं। तो भोजपुरी डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल सिंपल रहते हैं, जितना व्यू आया नहीं, डाउन टू अर्थ यहाँ की मांग है। हम डाउन टू अर्थ है नहीं, हम अपने कल्चर से बहुत परे हैं, कल्चर में समाएंगे। कुछ लोगों ने कोशिश की है और कुछ लोग कर भी रहे हैं और बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो ऐसे ही करते करते संख्या बढ़ती चली जाएगी, चीज़ें आ जाएंगी। अभी धीरे धीरे हमारे हीरोज़ भी हैं, वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्मों की तरफ पूरी तरह से ध्यान देना शुरू कर रहे हैं, और जब वो भी पूरी तरह समाहित हो जाएंगे और यहाँ पे व्यक्ति की विशेषता से ज़्यादा, उस व्यक्ति विशेष से ज़्यादा उसकी विशेषता को महत्व देने जाना लगेगा, सिनेमा इंडस्ट्री अपने आप आ जाएगी। और ज़बरदस्ती थिएटर का रोना हम क्यों रहे हैं? थिएटर को खुद ही हम लोगों ने त्यागा है। नहीं तो हम वो उस जमाने को अगर याद करें जब दिनेश जी की फिल्में थिएटर में लगती थी, या उस जमाने किसी की फिल्में, मनोज जी, दिनेश जी, शुरुआती दौर के बाद जब मैं आया था तो हम लोग प्रमोशन पे जाते थे तो केवल नरमुंड नज़र, इतने केवल सर नज़र आते थे, आदमी तो नज़र ही नहीं आता था कि कितने हज़ार लोग हैं। और वो पागलपन पता नहीं, अब तो ड्रीम रह गया, हमारी ज़िंदगी में आए भी ना आए, वो पागलपन आना बहुत आवश्यक है। क्योंकि उस समय सिनेमा करते लोगों की भूख थी, और उस भूख को धीरे 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 धीरे, अब मैं खुल के बोलना चाहूँगा कि एल्बम ने, भोजपुरी के एल्बम ने, सिनेमा के गानों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिनेमा के गाने में अधिक से अधिक आइटम सॉन्ग होता है, उसमें उतनी वल्गरिटी ना होती है, लेकिन भोजपुरी एल्बम ने अपनी ऐसी छवि बना दी है, लोगों के दिल से हट करके उसके कान में घुस गए हैं, लोगों की आँख को बंद करके उसके कान में घुस गए हैं, कि अब वो दिन आना मुझे तो नामुमकिन लग रहा है। ईश्वर चाहे तो ले आए, या हमारे चंद वो सरताज जो इस इंडस्ट्री के, वही चाहे तो आ सकता है। सर सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, पहला लुक लॉन्च हुआ है, पोस्टर में बताया कैसे आइडिया है, किस तरह बनाया जाए? सर देखिए कैसा है ना कि ये तो हमारे पास ऑलरेडी था, ये कॉन्सेप्ट हमारा बोल, हम लोग थोड़ा थोड़ा सबको प्रमोट करते, 3-4 पोस्टर ड्राफ्ट करके एक गाना उस पर डाल के इस तरीके से प्लान किया। पहले हमारा था सिंगल पोस्टर देने का, फिर हमने एक छोटा सा बनाया तो उसमें हम 2-3 फोटो डाल के उसको गाना क्रिएट किया। अजय सर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले जब छठ आया पूरे वर्ल्ड में, यूट्यूब पे पूरे वर्ल्ड से वीडियो डाला जाता है, एल्बम डाले जाते हैं, लेकिन भोजपुरी का जो छठ का गाना था वो ट्रेंडिंग कर रहा था, जो टॉप के 15 गाने थे उसमें 6 गाने छठ के भोजपुरी के थे। सर ये प्राउड का मोमेंट नहीं हो सकता? वो छठ है ही भोजपुरी का, आप गाने की बात आप कर रहे हैं, अगर एल्बम नहीं सुन या फिर आप गलत दिशा में जा रहे हैं, मेरे से गलत दिशा में ना उलझिए। छठ है ही भोजपुरी वालों का, छठ है ही जो सही खाटी माटी वालों का, छठ है ही वो चीज जहाँ छठ की महानता आज से थोड़ी है, महाभारत काल से है। जो चीज महाभारत काल से लोग रग रग में, रोम रोम में, वो धुन इस तरह से घुस गया है कि छठ के गाने कोई भी गा दे, वो छठ के गाने बहुत प्रचलित होंगे, क्योंकि छठ के गाने सिवाय उस माटी के लोगों के दूसरे नहीं गा सकते हैं। सर एक मिनट, ये जो आपने पोस्टर बनाया उसमें एक हॉस्पिटल दिख रहा है, तो मतलब मुझे लगता है कि रियल हॉस्पिटल में आपने, ये सही सवाल पूछा शिवा, ये गुड़ आदमी है, जरा चेहरा भी तुम दिखा दो शिवा, ये पूछा है? हाँ पूछो। देर से पूछा, सर हॉस्पिटल का कहानी बताइए। हाँ है, दिख रहा है तो कुछ तो है, किस तरह का मतलब शूट हुआ होगा, रियल शूट हुआ, रियल ऐसे लगता है, रियल हॉस्पिटल है ये, वो रियल हॉस्पिटल है जो शायद हिंदुस्तान में उससे बड़ा उस डिपार्टमेंट का हॉस्पिटल नहीं है कोई, इतना बड़ा भव्य है वो, ट्रस्ट है वो हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल ने हमारे इस फिल्म में बहुत बड़ा एक योगदान दिया है, एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सही क्वेश्चन किया शिव ने, देखो किस तरह का मतलब वो रहा कि तो अब वो अब अंदर मत घुसो, अंदर ना घुसो, हाँ रियल हॉस्पिटल है, इसमें जो भी जिस जो कहानी की पृष्ठभूमि में जो एक ग्रहण लगता है वो ग्रहण से ताल्लुकात इस हॉस्पिटल का। कैसा लोकेशन रहा शूटिंग पे गया, और एक गाना जरा बताइए। लोकेशन तो काफी अच्छा रहा, इस फिल्म में लोरी भी थी हम लोग की, काफी अच्छी। गा के सुनाओ, लोरी सुनाओ, सुनाओ, सिंगर हो ना, एल्बम सुनाओ। ठीक है, सो जा हनु, सो जा हनु, सो जा हनु,
सो जा हनु, जो इस गाने का म्यूजिक था शुरू का, हमारे अमन श्लोक सर ने बनाया है और उन्होंने इस फिल्म में एक गाना भी गाया, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और बहुत प्यारा इसका शूट भी हुआ है। लोकेशन जो था हम लोग का, मतलब चारों तरफ पहाड़ पेड़ सारे जगह, मतलब सुपर लोकेशन, लोकेशन है ये, बोलो। हाँ सुपर। एक ही कमी रहेगा, तुम्हारा गर्लफ्रेंड नहीं रहेगा। है ना, ये इसकी गर्लफ्रेंड यही है इस फिल्म में। हाँ, इसके अब ये आइटम ही बोलता है इसको। सर, रियल लाइफ में आपने परिवार से कितने कनेक्ट कर रहे हैं? दादा दादी का जैसा इसमें रोल है, रियल लाइफ में कितना कनेक्ट करते हैं? सबके दादा दादी के जीवन में इस तरह का, दादा और पोते की जिंदगी में ऐसा चीज आता है। और यहाँ एक चीज थोड़ी सी अलग बात यह है कि दादा पोते की जिंदगी में सिवाय दादा पोते के और कोई नहीं है परिवार का। और जो हमारे बीते दिनों की यादों से ये अपने लिए आइटम ढूंढ के लाता है और एक ऐसा किरदार हमारे ज़िंदगी में शामिल होता है जो दुखी होकर के आता है लेकिन हम लोग को केवल खुशियाँ ही देता है, जो हमारे हमारे इस महेश आचार्य जी ने किया है। मैं चाहूँगा कि महेश जी आ गए हैं, महेश जी आप आए यहाँ पे, इनकी तारीफ मैंने पहले भी बहुत की लेकिन ये इतना सीरियस सिनेमा को लेते नहीं है, तो इनसे इनके बारे में शिकायत करूँगा, सिनेमा को सीरियसली लेते नहीं है। ये शिकायत गलत है। हाँ, तो आप इतना वक्त लगाए, देखिए ये अनीता जी आई 4 बजे, आप आए हैं अभी 4:15 बजे, मैं पिछले 3 बजे का समय खड़ा हूँ, कोई ध्यान नहीं, मैं 3 मिनट पहले आए। आप महेश जी से कुछ पूछे, ये हमारी इंडस्ट्री के बड़े धुरंधर कलाकार हैं, आप पूछिए और जोर से पूछिए। सर, आप जोर से बोलिए। महेश जी, अगर सेंटर में आते तो बढ़िया रहता। अरे, मैं गोद में बैठ जाइए आप, महेश जी आइए आइए आइए। आप लोगों ने सोफा रख लिख करके तंग ही कर दिया जगह। ठीक है, ध्यान दीजिए ना, एकदम बढ़िया। महेश जी, आपसे जानना चाहेंगे इस फिल्म में आपका किरदार किस प्रकार का होगा? जो पहले जैसे ही होगा, कॉमेडी हंसाते रहेंगे या फिर कुछ अलग होगा? नहीं, पहले तो हमारे भोजपुरिया दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। और ये सिनेमा हम लोगों ने किया है, मैंने काफ़ी फिल्में की है, आप लोगों ने काफ़ी इंटरव्यू मेरा लिया है, मगर ये सिनेमा मधु सर के दिल के बहुत करीब है। जब इन्होंने नरेट किया मुझे तो काफ़ी भावुक हो गए कि मैं ऐसे फिल्म कर रहा हूँ, तेरा रोल ये है, ऐसा है वैसा है। अधेश जी ने नरेट किया, बातें हुई हमारी, और फाइनली जब हम पहला नरेट सुने थे और जब फिल्म कम्प्लीट करके आए हम लोग, तो लगा कि यार उससे ऊपर की फिल्म बन गई है। और हम लोग डबिंग कर रहे हैं, हम लोग एक्टर हैं, डबिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग किया हम लोगों ने, ठीक है, वो एक अपना प्रोफेशन था, मगर डबिंग करते वक्त एक इमोशन आ जाता है कि सिनेमा इतनी अच्छी बनी है, इतनी अच्छी बनी है कि अब तो आप लोग देखेंगे तब आप लोग। मधुसूदन जी के दिल करीब है, आपके करीब नहीं है? नहीं, उनके करीब है तभी हमारे करीब। छीन लीजिए उनको। नहीं, उनसे अब छीनने का हमारा नहीं। ये डबिंग कर चुके हैं इसलिए इनका भाव सही है, क्योंकि वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और शायद वो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है वो खुद बताएंगे। कि हम लोग इस फिल्म में अगर देखा, हीरो प्रधान कोई फिल्म बनाता है, मगर उन्होंने सब्जेक्ट प्रधान फिल्म बनाई है कि स्टोरी ही हीरो इस फिल्म का, जिसमें ये हम 4 करेक्टर जो भूमिका निभाए हम लोगों ने, आप लोग देखेंगे तब समझ में आएगा कि ये फिल्म है क्या। महेश जी आ रहे हैं अभी इंटरव्यू दिया, बोला कि महेश जी साथ काम करके अच्छा नहीं लगा, ऐसा क्यों बोला उन्होंने? नहीं, ये बोल सकता है, ये बच्चा है, आप तो बच्चे नहीं है। नहीं, बच्चा नहीं है तो बहुत बड़ा बदमाश है, तुमको पता है। हम बहुत तंग जगह पे बैठे हुए, मैं चाहूंगा कि हमारे अमन श्लोक जी हैं यहाँ पे, ये भी आए हैं, और मिंटू भाई हैं यहाँ पे। और क्या है कि मैंने अमन जी के साथ पहले भी काम किया है, उनकी काफी फिल्में की है मैंने, मगर इस फिल्म में काम करके मैंने कोरियोग्राफ किया पूरे गानों को, आप देख सकते हैं पोस्टर में होगा मेरा नाम, और बड़ा ही मजा आया इस बार, उन्होंने इतना अलग किया है, इतना अलग पोस्टर में नहीं है और इतना इन्होंने अलग किया है ना कि हम लोग गाना करते करते कई जगहों पे भावुक हो गए हैं। दादा पोते की जो कहानी है, भावुक नहीं हो गए, लिटरली रोए हैं। आप पूछिए स्टूडियो वाले, उनको बुलाइए, रिकॉर्डिस्ट को, पॉली वाले को बुलाइए, रो रहे हैं रात भर बैठ के मेरी लाइफ में। और बोले हमने जिंदगी में पहली पिक्चर देखी, पॉली करते हुए रो रहे, अगर पॉली वाले हो तो बुलाइए उनको। वो मैम भी, मैम आइए जरा, आप देखिए, आप समझ सकते हैं कि इनके कितने दिल के करीब है, समझ सकते हैं कितने करीब है। अनीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मधु सर ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हम लोगों ने हाईलाइट 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 एक गाने मैंने इसमें की है, जिस गाने में अदेश बाबा हीरो है
अनीता जी हीरोइन है और वो गाना तो जो बना है और पहली बार उदय जी को आप हीरो के रूप में देखेंगे जो डांस करते हुए हीरोइन के साथ, ये मेरी गारंटी है। नहीं हाँ, क्योंकि वो हमारा पोता चाहता था कि हाँ, ऐसा नहीं, वो मैं चाहता था। बहुत ही अच्छा गाना और अवधेश जी बहुत ही नर्वस हो रहे थे गाने के पहले और अनीता जी ऑलरेडी प्रोफेशनल, मतलब ये बहुत अच्छी डांस करती हैं और वो बोलते रहे महेश ऐसा कैसा होगा, मगर फिर जब उनको नचाया तो जो नाचे हैं आप सिनेमा में देखिएगा। पिक्चर में आपका कैरेक्टर क्या है जी? अब पिक्चर में मैं एक जो हूँ वही हूँ कॉमेडियन, मगर कैरेक्टर ऐसा है कि पोता है या चाचा दादा कुछ है? हाँ, मैं कहानी नहीं बताऊंगा। कहानी मत बताइए, कहानी बता देंगे तो गड़बड़ जाएगा। तो ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। हाँ, इनके परिवार का एक सदस्य हूँ, ये भी मेरा पोता समझिए, बेटा समझिए। और पहली बार आप भोजपुरी में चार्ली चैप्लिन को देखेंगे, आप फर्स्ट टाइम वो कैरेक्टर मैंने निभाया है। कर्मी भाई संजय भूषण पटियाला जी, हमारे अजीज दोस्त और आदरणीय अवधेश जी, आदरणीय मधुसूदन जी, काजल जी, अनीता जी, आर्यन, हमारे कोरियोग्राफर, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और मुझे बहुत आज गर्व की अनुभूति हो रही है, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि इस फिल्म को बहुत बेहतरीन तरीके से फिल्म बनी है। हम संगीतकारों की इच्छा होती है कि जितने तरीके मेहनत से हम कोई गीत तैयार करते हैं तो उसी तरीके से उसका फिल्मांकन हो, तो मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी फिल्म बनी है, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अच्छा सर, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा जो भोजपुरी में कोसे जाते हैं ना संगीतकार होते हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी सर उस पर? नहीं, उसमें अकेले किसी एक का दायित्व नहीं है, अगर कोसा जाता है तो निश्चित रूप से उसको कुछ अपने अंदर उसको रेक्टिफाई करना चाहिए था, सुधार करना चाहिए। मिलजुल के हम कोसे नहीं, अकेले वो जिम्मेदार नहीं होता। मैं अगर कहूँ कि कोई संगीतकार अपनी ज़बरदस्ती हम किसी को थोप दें कि ये गाना ही आपको शूट करना, ऐसा नहीं होता है। वो उसमें निर्देशक और प्रोड्यूसर भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मैंने तो कोई बस केवल निर्देशक प्रोड्यूसर होते हैं, ये सब लोग का, सब लोगों का मिला जुला इसमें सबका दायित्व। दादू आई लव यू पर बताइए किस तरह के गाने हैं, कितने गाने आपको? दादू आई लव यू मतलब ऐसा कह सकते हैं कि भोजपुरी की पहली फिल्म अब मैंने शुरू की है, ऐसा मुझे लगता है। इस फिल्म के बाद लगभग 150 फिल्मों में मैंने संगीत दिया है, हिंदी की बहुत सारी फिल्में, नेटफ्लिक्स है, बहुत सारे के लिए काम किया, मगर इस फिल्म को करने के बाद जो मतलब संतुष्टि हुई है, मुझे लगता है कि नेचुरली ये पहली फिल्म, इसको काउंट करना चाहिए मेरी। और निश्चित रूप से अवधेश जी हमारे, मधुसूदन जी और सब लोगों का पूरा कोऑपरेशन रहा है। मैं कहूँ कि मैंने बहुत अकेले ये काम किया, अच्छा संगीत बनाया, अलग बेहतरीन संगीत बनाया, तो इसका क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं हमारी टीम को है। सब लोगों ने बैठ के और लगभग 3 महीने से हम लोग इस पर वर्कआउट कर रहे थे। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि संगीत अच्छा बेहतर संगीत बनाने के लिए पूरी टीम को बैठ के बहुत सारा डिस्कस और सबका मतलब जो आउटपुट है उसके हिसाब से ये बनना चाहिए गीत संगीत। निश्चित रूप बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आप मधुसूदन जी कैसे सिलेक्शन किया म्यूजिक डायरेक्टर का आपने? सर देखिए, और किसी के नाम आया था सामने? नहीं, मेरे पास पहला ही आदमी आया, पहले ही बार इन्होंने गाना सुनाया और सिलेक्ट हो गए। पौने रात को 2:45 बजे तक हम लोग बैठ के स्टूडियो में लड़ रहे थे, अरे ऐसा नहीं होता, वैसा होता है, ऐसा अब, और मैं बोला सर ये ऐसा ही होगा। और रात को 2:45 बजे गाना रिकॉर्ड करके हम भैया को सुनाते थे, बोला ऐसा पागल आदमी तो मैंने देखा ही नहीं, रात को 2:45 बजे जो एक्टर को सुना रहा गाना सुनो। तो ये बहुत मेहनत हुई है सर इसके पीछे। और अमन जी का तो जादू है सर, ये आदमी अभी कम बोल रहा है बादल, हम भी नहीं बोल सकते ज़्यादा, लेकिन सचमुच गाने अच्छे बने, बहुत प्यारे गाने। किसी ने मना किया नहीं बोलने के लिए? बोला नहीं है, लेकिन अभी समझा को बोले स्टोरी स्टोरी मत सुनाओ, तुम नए हो जरा अंडर में रहो, आवेश आवेश मत भाव। कहाँ रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ मुजफ्फरपुर मेरठ का। ये मेरे पहले साथी संगाती काला सिंदूर, आई आईची सावली, शुभांगी, श्वास, ये 6 पिक्चर का मैं प्रोड्यूसर था। ये पहली फिल्म जिसे डायरेक्शन कर रहा है? हाँ यस, ये वो भी मेहरबानी अवधेश भैया के, हम बैठ के पाली में इनको कहानी सुना रहे थे, ये देख रहे थे और हमारे सूरज जी वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे, तो बोले ये तू क्या कर रहा है, ये बंद कर। अरे मैं बोला यार ऐसा मत करो, बोलो मत, बोले मधु जी आप डायरेक्ट करिए और आपका मैं असिस्टेंट रहूँगा, ये भी बोला था, लेकिन अब असिस्टेंट बोलते बोलते
आगे निकल गए। ऐसा कुछ नहीं फिल्म आगे नहीं है सर, और आपने फिल्म को लिखा भी है। हाँ। कितनी प्रॉब्लम हुआ अवधेश जी के साथ काम करते? सर अवधेश जी के साथ काम करने में कोई तकलीफ ही नहीं है। खाली वो जो एक पॉइंट है ना आगे वाला, वो निकल जाए तो अवधेश सोना है। ये आगे वाला पॉइंट अब क्लियर करिए। मैं क्यों बोलूंगा? नहीं सर बता दीजिए। मैं कैसे बोलूं? ये मतलब मैं क्रोधित हो जाता हूँ किसी चीज़ जरा से जीज को ना, जरा से एक पॉइंट, जैसे एक चीज बाउंस बैक आया और वो रोक देना, तो ये आदमी गोल्ड है, इससे बड़ा एक्टर नहीं है यार, आप सोच ही नहीं सकते। दाग है। मैं बहुत अच्छा हूँ। और इस फिल्म में किस कैरेक्टर में बताया? मैं इस फिल्म में खलनायक की भूमिका मैंने निभाई। खलनायक हो गए? पहले भी खलनायक ही था। एकदम एकदम वही तो अवधेश के सामने, मतलब इतने बड़े खलनायक के सामने खलनायक हूँ, और इसके पहले भी दो तीन बार अवधेश के साथ खलनायक ही रहा हूँ मैं। इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस ये बहुत अच्छी फिल्म बनी है मधु जी। सबसे पहले मुझे लगता है कि शायद इस कहानी को मुझे ही सुनाया था, सबसे पहले मुझे सुनाया इन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और फिर हम लोगों के बीच बात हुई कि इस कैरेक्टर के लिए, दादू के लिए अवधेश को लिया जाए, तो मैं भी बहुत खुश हुआ था। और फिर इस फिल्म में अवधेश आया, आर्यन आया, और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। इसमें कोई शक नहीं कि अवधेश से अच्छा एक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं, ये मैं बोलता हूँ। बड़े एक्टर नाराज हो जाएंगे इस तरह से नहीं बोलेगा। मैं देखिए बहुत कम एक्टर, बहुत कम कलाकार किसी दूसरे कलाकार की तारीफ करता है, और वो भी मैं खुद, मैं जब मैं पटना से आया था तो खलनायक बन नहीं आया था, और मैं अपने से क्या मतलब, मैं सबसे बेहतर इसको मानता हूँ अवधेश को। अवधेश जी आर्यन जी की खोज कैसे हुई? आर्यन बाबू की, आर्यन बाबू की खोज कैसे की आपने? एक आदमी ने सिवाय इसके कोई अच्छा काम नहीं किया, वो हमारा आर के बहुत प्यारा है, उसने लाया इसको। और मैं इन्होंने ये कई ऑडिशंस वगैरह कर रहे थे, 130 ऑडिशन किए थे, तो बोले कि अचानक एक मिल गया है, वो बिहार का लड़का है, वो आ रहा है। मेरे मन में वो धारणा थी कि शायद अब पता नहीं अब कैसे होगा, इधर इनको मिला नहीं और बिहार से भगा रहे, ये आया। इसको कुछ छोटी सी अपनी कट सी हमने बातचीत के सिलसिले में करी, और छोटा सा पार्ट बोला कि ये करना है करो, और ये कुर्सी पे बैठ के जो एक्सप्रेशन दिया, लग गया कि ये करेगा अब। लेकिन इतना इतना ज़्यादा सहज होगा वो, एक झटके में तो कोई तय कर सकता नहीं है। और जब वहाँ जो इसकी सहजता देखा, ये ईश्वर का पुत्र है, ये ऐसे एक्टर बनाए नहीं जा सकते, ऐसे एक्टर बन के आते हैं इस उम्र में, ये बारीकी अभिनय के प्रति और इतनी सहजता, अपने को एक्टर के प्रति इतना समर्पण अमूमन नहीं होता है। और टाइटल सॉन्ग को गाया भी बहुत बेहतरीन तरीके से। गाना जरा जो मैंने दोनों मिलकर, हाँ। आप दोनों मिलकर गए। राम जी के चिराई, राम जी के खेत, खाला चिराई भर भर पेट, खाके चिराई उड़ी गई फुर, उम्र दादू आई लव यू, सनन 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 पुरवा चले, पुरवा में दादू के गमछा उड़े, उड़ी उड़ी गमछा बोले लसुर, उड़ी उड़ी गमछा बोले लसुर, ओ मेरे दादू आई लव यू, ओ मेरे दादू आई लव यू, ओ मेरे दादू आई लव यू। लोकगीत क्या होता है? अतः एल्बम क्या ढूंढ रहे हैं? लिरिक्स याद नहीं, ये याद दिला देगा ये शुरू कर। ओ